नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे का सिटी सेंटर रीवा। मेरे साथ देखिए दिन भर रीवा में क्या घटा, क्या कुछ हुआ। रीवा में खेल गतिविधियों को ऊंचाई में ले जाने का प्रयास करेंगे। खेल विभाग के साथ मिलकर रीवा शहर के वरिष्ठ खिलाड़ी, हमने बात की कुछ वरिष्ठ खिलाड़ियों से। रीवा के ऐतिहासिक TRS कॉलेज के मैदान में जिला स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यहां पर जिले भर के खिलाड़ी जुटे। मौका था मुख्यमंत्री कप खेल कूद प्रतियोगिता का, जिसके उद्घाटन के मौके पर पूर्व मंत्री रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल खास तौर से मौजूद थे। साथ ही पूर्व खिलाड़ी सहित TRS कॉलेज के प्राचार्य भी इस मौके पर उद्घाटन समारोह में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री कप खेल प्रतियोगिता का रीवा जिले के सभी नव विकास संघ के खिलाड़ी TRS कॉलेज के मैदान में पहुंचे। भारी उत्साह के साथ आयोजित विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों ने भाग लिया, अपना जौहर दिखाया। खिलाड़ियों की यह प्रतियोगिता रीवा के दो मैदानों में आयोजित की जा रही है। रीवा का TRS कॉलेज के साथ पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में भी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा था, जहाँ पर विभिन्न प्रतियोगिताएँ जैसे TRS कॉलेज में फुटबॉल, 100 मीटर एथलेटिक्स, वॉलीबॉल का आयोजन किया गया। वहीं पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में 200 मीटर, 400 मीटर सहित विभिन्न एथलेटिक्स की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। गोला फेंक, चका फेंक प्रतियोगिता भी यहां पर आयोजित की गई। आयोजक मंडल जिला स्तरीय प्रतियोगिता के बाद संभाग स्तरीय फिर राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में इनको भेजेगा। वहां से सेलेक्ट होकर ये खिलाड़ी देश प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक की प्रतियोगिताओं में इनको भाग लेने का मौका मिल सकता है। प्रतियोगिता के उद्घाटन के मौके पर खास तौर से पूर्व मंत्री रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला मौजूद रहे। उनकी मौजूदगी में 100 मीटर रिले एथलेटिक्स की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं फुटबॉल के पहले मैच का आयोजन भी किया गया। इस बारे में हमने पूर्व मंत्री रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला से बात की। उनका साफ तौर से कहना था, मुख्यमंत्री का प्रतियोगिता का आयोजन यहां पर किया जा रहा है। आज रीवा जिले के 9 विकास खंडों की टीमें यहां पर मौजूद हैं। इसके बाद संभाग स्तरीय प्रतियोगिता होगी, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता भोपाल में होगी। चुने हुए खिलाड़ी वहां पर जाएंगे, भाग लेंगे, उसके बाद वहां से अच्छा प्रदर्शन करने वाले भारत के टीम में शामिल होंगे, नेशनल प्रतियोगिताओं में भी भाग ले सकते हैं। पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल का साफ तौर से कहना था, हम खिलाड़ियों को बेहतर मंच प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं और हम उसमें कामयाब भी हैं। निश्चित रूप से माना जा सकता है इस तरीके की प्रतियोगिताएं खिलाड़ियों का उत्साह तो बढ़ाती ही हैं। साथ ही आज जिस तरीके से रीवा के ऐतिहासिक TRS कॉलेज के मैदान में पूर्व खिलाड़ियों की मौजूदगी भी रही, उनकी मौजूदगी ने जूनियर खिलाड़ियों का काफ़ी उत्साह बढ़ाया। साथ ही पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने भी खिलाड़ियों को बेहतर खेलने की शुभकामना दी। हमारी टीम ने पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल से बात की। आइए आपको सुनाते हैं पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने प्रतियोगिता को लेकर क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। ये सभी के लिए खुशी की बात है कि मुख्यमंत्री कप के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के सभी ब्लॉकों से चार प्रकार के खेल हैं, जिसमें खो खो है, कबड्डी है और एथलेटिक्स है, फुटबॉल है और वॉलीबॉल है। इन खेल के खिलाड़ियों को यहां पर लाकर जो 18 वर्ष से कम के हैं और यहां पर टूर्नामेंट का आयोजन कराया गया है और इसके माध्यम से प्रतिभाओं को सर्च किया जाएगा, टैलेंट सर्च करेंगे और उसके बाद इनको संभाग और राज्य स्तर पर ले जाके और भोपाल के TT नगर में जो स्टेडियम में टैलेंट सर्च करके बच्चों को जहाँ पे ट्रेनिंग कराई जाती है, जिससे यदि अच्छा खिलाड़ी कोई है तो और अच्छा खिलाड़ी बने, राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी इसको बनाने का प्रयास होता है और भारत की टीम में इस प्रकार के खिलाड़ी आ जाएं और फिर दुनिया के अन्य देशों से मुकाबला करके भारत को स्वर्ण और रजत और कांस्य पदक दिलाने में कामयाब हो सके। इस प्रकार की योजना के अंतर्गत आज ये मुख्यमंत्री कप का जो आयोजन यहाँ पर किया गया है उसका आज हम लोगों ने उद्घाटन किया है। कल दिन भर की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।